बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज भी जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बेहतरीन सेविंग अकाउंट के बारे में है, जो कि बेहतरीन उसका रिटर्न है, अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा है UBL, और उसका नाम है UBL यूनिफ्लेक्स अकाउंट। दोस्तों तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं शुरू करता हूँ अपना UBL यूनिफ्लेक्स अकाउंट के बारे में। UBL has introduced a checking account ideal for rate conscious individual traders, organization, monthly savers and customer who want transaction flexibility। तो दोस्तों इस अकाउंट को स्टार्ट करने का मकसद UBL का ये था कि ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जो कि एक प्रॉफिट रेट, एक अच्छे रिटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग होते हैं। वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन, एक सिंगल पर्सन, एक सैलरी पर्सन, एक ट्रेडर, बिजनेस डालना, होल सेल का बिजनेस करने वाला, ऑर्गेनाइजेशन, इदारा भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट अकाउंट है, इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज वगैरह इस किस्म के हैं। तो ये अकाउंट इशू करने का मकसद ये था कि ये उन लोगों के लिए है जो कि रेट के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। तो UBL इसमें बहुत अच्छा रेट ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों एक और बात का इजाफा करता चलूं कि ये वो अकाउंट है कि जिसमें अगर आप बैंक के साथ एक डील करना चाहें, आपके पास एक हैंडसम अमाउंट है, एक हैंडसम डिपॉजिट है, तो बैंक आपको इस पे अपने रेट पॉलिसी से हट के एक्स्ट्रा रेट भी ऑफर करता है। जैसा कि एक मिसाल दे दूं कि एक इदारा है, कोई कॉलेज का अकाउंट है और उनको ग्रांट मिली है 500 मिलियन की, यानी कि 50 करोड़ उनका डिपॉजिट है। तो बैंक से अगर वो यूनिफ्लेक्स अकाउंट लेना चाहते हैं तो बैंक का जो डिक्लेयर रेट होगा, लेट्स सपोज वो 6% है, 7 है, तो बैंक उस पर आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा भी ऑफर कर सकते हैं। इस अकाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी ये है, इस अकाउंट की एक बेहतरीन फीचर है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसमें मिलता है। तो चलते हैं अकाउंट के फीचर्स की तरफ। रिमार्केबल रेट ऑफ रिटर्न, बेहतरीन रेट है रिटर्न का, कोई भी आपको अच्छा रेट मिल सकता है। तो आगे मैं आपको रेट बताता हूँ जो बैंक अभी ऑफर कर रहे हैं। कन्वीनियंस ऑफ ए चेकबुक की कन्वीनियंस, चेकबुक इशू होती है, पावर ऑफ वॉलेट, वीज़ा, ATM, डेबिट कार्ड, ATM वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड आपको भी इशू हो सकता है, जो भी आप डिमांड करें, मास्टर कार्ड, वीज़ा, XYZ आपको मिल सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, और इस अकाउंट में बैंक आपको डिजिटल ऐप, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें चलते हैं रेट ऑफ रिटर्न की तरफ। तो मैं आपको इस चार्ट के ज़रिए समझा देता हूँ कि अगर 10,000 रुपये आपने अकाउंट में रखने हैं तो बैंक आपको 7% ऑफर करता है। अगर आपने 10,000 से 1,00,000 तक रखना है तो ये 7% है। 10,000 से 5,00,000 तक है 7% है। 5,00,000 से 10,00,000 तक भी 7% है। 10,00,000 या उससे अबव 7.25% ऑफर कर रहा है। और 10,00,000 से अगर ऊपर आपकी अमाउंट है, जितनी भी है, वो चाहे 11,00,000 है या 1 करोड़ है या 11 करोड़ है, तो उसके ऊपर 7.50 प्रॉफिट आपको बैंक ऑफर कर रहे हैं। अगर इससे भी हट के अमाउंट है तो बैंक के साथ डीलिंग करके आप एक्स्ट्रा रेट भी इससे ले सकते हैं, तो वो पॉइंट्स में फ़र्क होगा उसके रेट्स के। प्रोजेक्ट रेट्स विल बी अनाउंस मंथली थ्रू UBL डिपॉजिट प्रोजेक्टेड रेट लिस्ट। तो इसके रेट हर महीने ब्रांच के साथ शेयर होते रहते हैं, आप हर महीने जाके बैंक से नया रेट भी इसका ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, ओनली वन UBL यूनिफ्लेक्स अकाउंट पर कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल बी अलाउड टू बी ओपन इन UBL regardless of the branch, no doubling shall be allowed even a joint account or a sole proprietor। इसका मतलब ये है कि एक बंदा एक दफ़ा एक ब्रांच में यूनिफ्लेक्स अकाउंट ओपन करा सकता है अपने कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट, या वो अपने नाम पे अकाउंट खोलना चाहे, या अपने बिजनेस के नाम पे खोलना चाहे, या अपने जॉइंट अकाउंट करे, या सोल प्रोपराइटर, जो भी है, जस्ट एक दफ़ा एक ब्रांच में। The bank shall determine from time to time the rate of interest, return, profit payable on the account deposit in accordance with the prevailing profit and loss sharing rules and regulations of the State Bank of Pakistan as well as policies of the bank which are subject to change from time to time. The account holder depositor must agree to accept such rate of interest, rate, return at a time change is made. इसका मतलब ये है कि बैंक अपनी पॉलिसी में चेंजेस करता रहता है, यानी कि प्रॉफिट रेट अगर आपको 7.50 दिया है और उधर से स्टेट बैंक की तरफ से जो है ना, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो डेफिनेटली बैंक UBL का रेट भी कम होगा, उधर से बढ़ गया तो यहाँ से भी बढ़ेगा, तो ये अप डाउन आपके अकाउंट पे भी लागू होगी। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस एंड क्रेडिटेड अकाउंट द फॉलोइंग मंथ ऑन ए मंथली बेसिस। मेरे दोस्तों पिछले दो जो मैंने वीडियोज़ शेयर किए हैं जिसमें आपको सेविंग अकाउंट बताया था, RTA रुपी ट्रांजेक्शन और BBA ब्रांच बेसिक बैंकिंग अकाउंट, तो उसमें जो था 6-6 मंथ बाद बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा था, जबकि इस अकाउंट में ये है कि जितने भी पैसे हैं यकम के यकम आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। 6 महीने वाली इसमें कंडीशन नहीं है। द UBL यूनिफ्लेक्स अकाउंट कैन नॉट बी ओवरड्रॉन।
कि यूबीएल यूनिफ्लेक्स अकाउंट जो है ना उस पर ना क्लोज हो सकता है ना उस पर कोई आप ओवरड्रॉन या कुछ उस पर कोई एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है वॉलेट वीज़ा कार्ड इज़ ऑप्शनल चार्जेज एज पर शेड्यूल ऑफ बैंक प्लीज़ अप्लाई ऑन द रेगुलर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। वॉलेट वीज़ा कार्ड आपके ऑप्शनल है, अगर आप ये लेना चाहें ठीक है, आप ये ना लेना चाहें भी ठीक है, तो जो उसके जो चार्जेस होंगे एटीएम कार्ड इशुएंस के वो आप पे लागू होंगे जो भी कार्ड आप डिमांड करेंगे। रेगुलर चेक बुक्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर शेड्यूल ऑफ बैंक ऑफ चार्जेज, जो एस चेक बुक भी आपको जो इशू होगी उसके भी चार्जेस काटे जाएंगे। कस्टमर कैन कंडक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 3 फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल ट्रांजेक्शन इन ए कैलेंडर मंथ इंक्लूसिव ऑल इंस्ट्रूमेंट। तो कस्टमर 3 ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी से दिसंबर के किसी भी महीने में 3 दफ़ा। दीज विड्रॉल्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू नेट बैंकिंग कैश विड्रॉल बाय एन एटीएम। ये चेक के थ्रू विड्रॉल की लिमिट है, एटीएम के थ्रू या नेट बैंकिंग थ्रू कोई ट्रांजेक्शन की लिमिटेशन नहीं है, वो आप जितने भी मर्जी चाहें कर सकते हैं। और इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र IBFT क्लियरिंग कलेक्शन ऑनलाइन बैंकिंग तेज़ रफ्तार ETC, यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप, TT भी बना सकते हैं, पे ऑर्डर भी बना सकते हैं, हर कुछ इसमें आप कर सकते हैं। द बैंक विल चार्ज अ सम ऑफ 100 पर ट्रांजेक्शन फॉर एनी विड्रॉल अबव द थ्रेशहोल्ड ऑफ 3 डेबिट ट्रांजेक्शन इन 1 कैलेंडर मंथ। ठीक है, वही बात आ गई कि अगर 3 ट्रांजेक्शन से हट के आपने किया तो फिर आपसे पर ट्रांजेक्शन 100 रुपीज़ बैंक चार्ज करेगा। देयर इज़ नो लिमिट फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन ए मंथ, क्रेडिट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी जगह चाहें इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन एक महीने में 3 दफ़ा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन अलाउ है डेबिट करने की, अगर आप 3 से ज़्यादा करेंगे तो 100 पर ट्रांजेक्शन आएगा। ऑल सिंगल डेबिट इंसिडेंट्स टू एन अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट डिडक्शन बाय द बैंक फॉर चार्जिंग सर्विस फी विद होल्डिंग टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। तो ये जो अगर बैंक जो ट्रांजेक्शन करेगा आपके अकाउंट से, लेट्स सपोज कि विदहोल्डिंग टैक्स काटा है, सर्विस चार्जेस काटे हैं, चेकबुक के चार्जेस हैं, ATM के चार्जेस हैं, वो एक ही ट्रांजेक्शन में काटे जाएंगे। ऑल सिंगल डेबिट इंसिडेंट टू एन अकाउंट विल बी कंसीडर्ड अ सेपरेट ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन उस 3 ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होगी जो कि आपको अलाउ कर रहे हैं। ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द 3 विड्रॉल्स अलाउड विल बी चार्ज्ड एज पर अ शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस। तो वो जो ट्रांजेक्शन के चार्जेस हैं वो शेड्यूल ऑफ बैंक के जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस बैंक शेयर करता है उसके मुताबिक काटे जाएंगे, शेड्यूल से हट के 1 रुपया भी आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। तो दोस्तों आपको ये अकाउंट समझ आ गया, ये बेहतरीन अकाउंट है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंस्टीट्यूशन के लिए ये अकाउंट बेस्ट है। तो अगर आप इसमें विलिंग हैं तो आप UPL की कोई भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं, जाके अकाउंट ओपन कराएं, बेहतरीन अकाउंट है, मेरी सजेशन है कि एक दफ़ा ये ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेशन नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। थैंक यू, अल्लाह।